खबर आ रही है कर्नाटक चुनाव को लेकर, जहां पर हाल फिलहाल के दिनों में पीएम मोदी ने ताबड़तोड़ रैलियां की थी और इन रैलियों के जरिए ही कर्नाटक चुनाव में बीजेपी ने अपना टेम्पो सेट करने की कोशिश की थी। लेकिन अब इलेक्शन कमीशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बड़ा ऐलान कर दिया है, कर्नाटक में चुनाव कब होंगे इसकी तारीख का ऐलान किया और तारीख के साथ ऐलान किया है कि आखिर इस चुनाव के नतीजे कब आएंगे। तो आपको बता दें कर्नाटक में 10 मई को चुनाव होने और जो नतीजे आएंगे वो आएंगे 13 को। पूरी खबर आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि यहां पर कितनी सीटें हैं और क्या गणित रहने वाला है कर्नाटक चुनाव की खबर पर। दरअसल मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने ऐलान कर दिया है कि वोटिंग एक चरण में कराई जाएगी। बड़ी बात है, कर्नाटक में आपको बता दें कि 5.21 करोड़ मतदाता हैं, यानी करीब 5.25 करोड़ आप इसे कह सकते हैं। सीटें जो हैं विधानसभा की यहां पर हैं 224 सीटें। और इसी पर बोलते हुए राजीव कुमार ने कहा कि हमने एक प्रोसेस पहले शुरू की थी, इसके तहत जो लोग 1 अप्रैल को 18 साल के होंगे, ये बड़ी खबर है, 1 अप्रैल को जो लोग 18 साल के होंगे अब वो भी वोट डाल सकेंगे। यानी कि आज की तारीख में अगर आप 17 साल के हैं और 1 अप्रैल से पहले आपका बर्थडे पड़ता है और आप 18 साल के हो जाते हैं, आपके घर में कोई 18 साल का हो जाता है 1 अप्रैल से पहले, तो उस सूरत में जो 10 मई को चुनाव होंगे उसमें वोट आप डाल सकेंगे। तो ये बड़ी बात है और इसी को लेकर राजीव कुमार ने कहा है कि इसके लिए हमने एडवांस एप्लीकेशन भी मंगवा ली थी। राज्य में फिलहाल आपको बता दें कि मौजूदा भाजपा सरकार का कार्यकाल 24 मई को खत्म हो रहा है। इस बार भी मुख्य मुकाबला जो है वो कांग्रेस और जेडीएस के बीच रहेगा, जिसमें भाजपा भी मेन मुकाबले में शामिल है। पिछली बार जेडीएस कांग्रेस साथ थी, लेकिन इस बार जेडीएस अलग से चुनाव लड़ रही है। इसके अलावा जो बड़ी बात है वो ये भी है कि 4 राज्यों की जो 5 विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव होने हैं उसे लेकर भी ऐलान किया गया है। पंजाब और यूपी समेत 4 राज्यों की 5 विधानसभा सीटों पर 10 मई को उपचुनाव भी होंगे, नतीजे भी 13 मई को आएंगे। लेकिन जो बड़ी अपडेट आ रही है इस मामले में, जिसका हर किसी को इंतजार था, वो है राहुल गांधी से जुड़ी हुई। जी हां, चुनाव आयोग ने राहुल गांधी की वायनाड लोकसभा सीट पर उपचुनाव कराने की घोषणा नहीं की है, जिसकी आशंका थी, जिसमें माना जा रहा था कि हो सकता है कि राहुल गांधी की संसद की सदस्यता जाने के बाद में वायनाड की सीट पर उपचुनाव होंगे, जैसा कि पास्ट में भी देखा गया है। लेकिन चुनाव आयोग ने वायनाड की लोकसभा सीट पर फिलहाल उपचुनाव कराने की घोषणा नहीं की है। इसके पीछे वजह हो सकती है कि राहुल गांधी के पास में 30 दिन का वक्त है अपील करने का, हो सकता है अदालत के फैसले के बाद इस तरह का ऐलान हो। लेकिन इस बीच जो बड़ा अपडेट निकलकर सामने आ रहा है उसमें कई ऐसे नेताओं के बयान भी है जो भी आपको जानने चाहिए। कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं और पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, उन्होंने कहा है कि 2023 का चुनाव मेरा आखिरी चुनाव होगा, इसके बाद मैं चुनावी प्रक्रिया से दूर रहूंगा। उन्होंने ये भी कहा है कि वो वरना सीट के अलावा कोलार सीट से भी चुनाव लड़ेंगे। तो ये है कांग्रेस की जो मेन कैंडिडेट है सिद्धारमैया, उनका बयान। हालांकि इस बयान के पीछे सही में वो राजनीतिक संन्यास ले लेंगे या फिर ये इनका आखिरी चुनाव है, ये इमोशनल तीर के तौर पर हो सकता है कि मेरा आखिरी चुनाव है तो इसे समझकर ही वोट कर लें। खैर, तो ये अलग बात है। लेकिन कर्नाटक चुनाव से पहले जो इतिहास है वो भी जानना जरूरी है। यहां पर 5 साल में 3 मुख्यमंत्री रहे हैं, पहले जेडीएस और कांग्रेस की सरकार थी, इसके बाद में फिर भाजपा ने अपनी सरकार बनाई। कर्नाटक में फिलहाल 224 विधानसभा सीटें हैं। 2018 में जो विधानसभा चुनाव हुए थे वहां पर भाजपा को 104, कांग्रेस को 78 और जेडीयू को 37 सीटें मिली थी। किसी पार्टी को तब बहुमत नहीं मिला था। येदुरप्पा ने 17 मई को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी और सदन में बहुमत साबित न कर पाने के कारण 23 मई को उनको इस्तीफा तब देना पड़ गया था। इसके बाद कांग्रेस और जेडीएस ने गठबंधन की सरकार तब बना ली थी और अब 14 महीने के बाद कर्नाटक की सियासत ने फिर से करवट ली है। कांग्रेस और जेडीएस के कुछ विधायकों की बगावत के बाद कुमारस्वामी को कुर्सी छोड़नी पड़ी थी। इन बागियों को येदुरप्पा ने भाजपा में मिलाया और 26 जुलाई 2019 को 219 विधायकों के समर्थन के साथ सीएम बीएस येदुरप्पा बने, लेकिन 2 साल बाद ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया। बसवराज बुम्बई को यहां का मुख्यमंत्री इसके बाद में बना दिया गया। लेकिन मौजूदा वक्त में जो चुनाव होने वाले हैं, जिसका ऐलान इलेक्शन कमीशन ने किया है, चुनाव आयोग ने किया है, उसे लेकर क्या कहते हैं समीकरण और भाजपा ने यहां पर कितना टारगेट रखा है वो भी आपको बताते हैं। दरअसल भाजपा ने विधानसभा चुनाव के लिए जो इस बार हो रहे हैं इसको लेकर 150 सीटों का टारगेट रखा है। पीएम मोदी ने 3 महीने में 7 बार कर्नाटक का दौरा किया है। पिछले दौरे में बीएस येदुरप्पा और मोदी की मुलाकात तब चर्चा का विषय बन गई थी। मोदी 27 फरवरी को शिवमोगा पहुंचे थे और यहीं पर उन्होंने येदुरप्पा का झुककर अभिवादन किया था। येदुरप्पा जो है वो संन्यास का ऐलान हालांकि कर चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके जो गौर करने वाली बात है वो ये है कि 4 बार मुख्यमंत्री रह चुके 79 साल के
येदियुरप्पा जो हैं उन्हें कैंपेन कमेटी का हेड जो है वो बनाया जा सकता है। और सूत्रों के मुताबिक जो खबर आ रही है उसके हिसाब से येदियुरप्पा अपने बेटों के लिए रास्ता बनाना चाहते हैं। तो ये फिलहाल अपडेट है कर्नाटक के चुनाव से, जिसके लिए आपने समझा होगा कि फिलहाल कर्नाटक की राजनीति में क्या हो रहा है, क्या है बीजेपी का टारगेट और किस तरीके से जेडीएस, कांग्रेस और बीजेपी इन तीनों के बीच मुकाबला होने वाला है। कांग्रेस जेडीएस जो है कभी साथ में कर लड़े थे, लेकिन इस बार बताया जा रहा है कि अलग अलग लड़ेंगे, लेकिन बीजेपी जो है वो कोशिश करेगी कि इस बार कर्नाटक में भी एक धुआंधार धमाकेदार जीत दर्ज कर एक बड़ा संदेश दे सके। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी जिस तरीके से ताबड़तोड़ रैलियां की हैं यहां पर, इन रैलियों का असर वोट में दिखेगा कि नहीं दिखेगा, चुनाव के दौरान क्या माहौल रहेगा और क्या कुछ रहेगा, इस पर जो भी अपडेट आएगी वो हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, धन्यवाद।